आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। फैसल करीम कुंडी ने दो टोक वासेह कर दिया। कहा निगरा हुकूमत के अख्तियारात के हवाले से बिल में तरमीम पेश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इंतखाब लड़ेगी। लीडरशिप का एक दो टोक मौकफ है कि ये पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए और इस जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले, ये हमारा दो टोक मौकफ है इस हुकूमत के सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस बिल को वोट नहीं दिया और हमने कहा कि हम कभी भी निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात नहीं देंगे जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत के होंगे, तो हमने उस पर वोटिंग नहीं की बल्कि उसमें अमेंडमेंट करके हमने उस बिल को पास किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर सीट पे तीर के निशान पर कैंडिडेट इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा। डिजिटल लोन स्कैम, अवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।